हाँ ये बनाओ वीडियो। सवाल कुछ नहीं, आप जवाब देना। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जवाब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर सारे। अब आप पूछो चाचा जी से। उमर कैसे करोगे आप बम ब्लास्ट? कैसे बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? नहीं, बम बांध के कश्मीर आजाद नहीं करवाना हमने, ठीक है ना? हमने उनसे ना कहते हैं दमाद की जंग लड़नी है। बम बांध के जितने लोग गए हैं ना, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। इसका अपना स्टाइल लड़ना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने पता क्या करना है, आपने पढ़ना है, आपने कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हो, कुरान पाक हिफ्ज करना है और बच्चों को पढ़ाना है। और हम लोग जो हम लोग का जो रेफरेंडम पता है क्या, वोट के थ्रू जो वोट नहीं डालते, वोट डालते हैं कि हम किसके साथ हमने रहना है, हमने इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। रेफरेंडम के थ्रू कश्मीर को लेंगे, जंग नहीं करनी। शहीद होंगे की बात का रटर गाता है, ये बात शहीद होने का, इसके दिल में बहुत दिल था शहीद होने का। अभी वो जो शहीद हुए हमारे क्या बताए, इनका एक साथी मुझे शहीद हो गया ना पिछले दिनों में, माशाल्लाह इतना खुश लग रहा था, वाकई शहीद हुआ है। नहीं वहाँ पे तो फिर जाहिर सी बात है, तो आप कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक रीड करो, अपनी सारी स्टडीज एजुकेशन मुकम्मल करो, उसके बाद फिर हम कश्मीर के लिए, मैं आपके साथ हूँगी, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, ठीक है? प्रॉमिस मेरा, मैं आपके साथ हूँगी। वोटों पे नहीं लड़ता कह रहा है, वोटों पे तो नहीं, कश्मीर का कह रहा है। आजादी के लिए हम इंडिया और पाकिस्तान से बात करेंगे ना कि हमने किसके साथ रहना है, हम कहेंगे हमने अलग रहना है, मुख्तार कश्मीर। क्यों ना हम इंडिया के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ऐसा ही है ना? ओ मैंने बस शहीद होने काफरों के ऊपर चला जाऊंगा। बात करता